हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने देखते ही अंदाज़ा लगा लिया होगा, यस, ये है शेख चिली। और आज मैं लेकर आई हूँ शेख चिली की एक नई स्टोरी और इसका टाइटल है मुट्ठी में क्या है। आई एम डैम श्योर कि जिस तरह से ये स्टोरीज अभी तक काफ़ी इंटरेस्टिंग रही हैं, ये स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। और मैं इसको आपके साथ पढ़ रही हूँ फर्स्ट टाइम। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ रिगार्डिंग दिस स्टोरी, तो आइए इसको रीड करें। एक बार एक आदमी अंडा लेकर आ रहा था। अंडा उसकी मुट्ठी में दबा हुआ था। तभी सामने की ओर से शेख चिली का आना हुआ। अपनी आदत से मजबूर शेख चिली उस आदमी से पूछ बैठा, भाई तुम्हारी मुट्ठी में क्या दबा है? उस आदमी ने सोचा कि यह अच्छा मौका है शेख चिली का मजाक उड़ाने का। वह बोला, शेख चिली, तुम हमारे गांव में गांव के सबसे चतुर व होनहार लड़के हो, तुम जरा बताओ तो मेरी मुट्ठी में क्या दबा है? इसके लिए मैं तुम्हें कुछ संकेत दूंगा, आखिर मैं भी तो कुछ फ़ायदा उठा के उठाऊं तुम्हारी बुद्धिमानी का। ठीक है, शेख चिली फक्र से बोला। अब वह आदमी बोला, मेरी मुट्ठी में जो कुछ है उसके बीच में पीला पदार्थ है जो चारों ओर सफ़ेद चीज से घिरा है और उसके चारों ओर सफ़ेद रंग का कड़ा खोल है। बताओ क्या है मेरी मुट्ठी में, मैं जरा सोच लूँ, कहकर शेख चिली सिर खुजलाने लगा। ये देखो, उसकी मुट्ठी कस के बंद है और शेख चिली पूछ रहा है कि उसकी मुट्ठी में क्या है और सोचने की कोशिश कर रहा है कि जो उसने संकेत दिए हैं मुट्ठी में आखिर क्या हो सकता है। शायद अपने खाली दिमाग पर जोर डाल रहा था। उसे यह सवाल किसी कठिन पहेली को हल करने के जैसा लग रहा था। वह सोचता रहा सोचता रहा, तभी उसके दिमाग में एक विचार कौन था, और शेख चिली के दिमाग में तो विचारों का पता ही है आपको कि कैसे अजीबोगरीब विचार आते हैं। ये देखिए नेक्स्ट पिक्चर इसकी। उसे तुरंत उस सवाल का उत्तर सूझ गया। वह बोला, तुम्हारे हाथ में आम है जिसके पीले गुदे के चारों ओर दही लिपटा है और वह सफ़ेद रंग की छोटी मिट्टी की हांडी में लिपटा है। ओ माय गॉड, इसका आंसर तो बहुत ही स्ट्रेंज था। वह आदमी हंसता हुआ बोला, वाह शेख चिली, तुम्हारा जवाब नहीं, कोई और बता भी नहीं सकता, तुमने कितनी आसानी से बता दिया। फिर वह आदमी हंसता हुआ अपनी राह चल दिया। उसके जाने के बाद शेख चिली भी दिल को खोल कर हंसा, लेकिन वह हंस रहा था उस आदमी पर जो उसकी बुद्धि के हिसाब से आम को दही में लपेट कर सफ़ेद मिट्टी की हांडी में डालकर मुट्ठी में दबाकर ले जा रहा था। शेख चिली बुदबुदाया, दुनिया भी ना जाने कैसे मूर्खों से भरी पड़ी है, और जबकि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, शेख चिली। तो कैसी लगी ये स्टोरी शेख चिली की, और कैसा लगा शेख चिली का सुझाव और शेख चिली का दिमाग? हमेशा हर स्टोरी में शेख चिली करता है कुछ अलग ही बात, और इस तरह से ये शेख चिली की स्टोरीज बनती हैं काफ़ी मज़ेदार। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज़ ऑफ शेख चिली। क्लिक द बेल आइकन सो दैट हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले एंड आप सारी शेख चिली की वीडियोस देख पाएं। बाय बाय, हैप्पी धनतेरस, हैव अ गुड डे।